बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, मैं आज आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ हमारी मुर्गियाँ। तो देखें, ये हैं हमारी जी मुर्गियाँ। मैं आपको दिखाऊंगी हम इन्हें रखते क्या हैं, तो क्या खिलाते हैं, कैसे इनको हमने पाला हुआ है, तो हम इनको कब से कब तक खुला छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सारा रेतला इलाका है, तो ये रेगिस्तान जैसा है, तो यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते बिल्लियाँ फिरते हैं, तो इनको खाने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो देखिए, मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ, कैमरा लेके आगे आगे भाग रही हैं। हमारी जो 6 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा हमने रखा हुआ है, और इनमें से एक मुर्गी अभी है, वो अंडे देने शुरू हुई है। तो माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी हैं। ये देखें, ये इनका पिंजरा है, इसमें हमने रखा है, इसमें हम पानी वगैरह इनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखते हैं, तो खाना वगैरह भी इधर ही डालते हैं इनको सारा। तो बड़ा सारा इनको बनाया हुआ है इनका पिंजरा हमने, तो यहाँ पे इनको हम बंद करते हैं। हम इनको घंटे 2 घंटे के लिए डेली छोड़ते हैं, 2 टाइम, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, क्योंकि सारा दिन तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इसलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते। देखें ये कैसे भाग रही हैं, जब ये बाहर निकलती हैं ये बड़ी उछलती हैं। पहले ज़्यादा थी, तो ये था कि 2-3 गुम हो गई हैं। एक मुर्गा था, वो बेचारा ज़िबा कर लिया था हमने, वो मारता वो होता है इन सबको, तो वो हमने इसलिए उसको ज़िबा कर लिया था। ये देखिए, हम इनको चावल वगैरह डालते हैं, इनको कोई भी फ्रूट वगैरह हो, ये जैसे तरबूज है ये डाल दिया, ये खा लेते हैं, और इन्हें हम रोटी वगैरह भी डालते हैं चुरा करके। सालन वगैरह नहीं डालते, क्योंकि सालन इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बीमार हो जाते हैं, तो बाजरा वगैरह डालते हैं। चावल बहुत शौक से खाती हैं, उबले हुए चावल हम इनको डालते हैं। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमें, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।